नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं तो बिहार की विपक्षी पार्टी है आरजेडी। आरजेडी बड़ी संघर्ष कर रही है, कई बार सरकार में भी रही, लेकिन अब आरजेडी क्यों मजबूर दिख रही है? मजबूर इसलिए क्योंकि समझौता करना पड़ रहा है। देखिए, हम विस्तार से चर्चा करेंगे, कई ऐसे नाम भी बताएंगे कि आखिर ये वो नाम हैं जो पहले आरजेडी के लिए मजबूत स्तंभ हुआ करते थे, लेकिन अब क्या हाल है? आरजेडी से क्या जो मुस्लिम तबके के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वो नाराज़ हैं? क्या वो मुसलमान जो हैं वो आरजेडी छोड़कर भाग रहे हैं? ये इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस बार जब लोकसभा के चुनाव हुए तो परिणाम क्या रहा आपने देखा है। पूर्णिया में क्या हाल हुआ, मुसलमानों ने भरोसा नहीं किया। सीमांचल में भी आरजेडी पर मुसलमानों ने भरोसा नहीं किया, वोट नहीं दिया। सिवान में क्या हाल हुआ? अब हिना साहब से मुलाकात हो रही है, तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद यादव की, और समझौते की बात हो रही है। समझौता करना पड़ा क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि मुसलमान भाग रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं, समझेंगे। लालू प्रसाद भी मुख्यमंत्री थे, क्या स्थिति थी उस वक्त? हिना साहब को साथ लाना, अब तो आरजेडी मान रही है कि मजबूरी है। देखिए, हिना साहब को साथ में लाना जरूरी और मजबूरी दोनों है। दोनों है। अब दोनों किस लिहाज से है जरूरी और मजबूरी? क्योंकि सामने आपका विधानसभा का चुनाव होने जा अगले रहा है साल 2025 में, तो इस लिहाज से आपका परफॉर्मेंस क्या रहा इस बार के लोकसभा चुनाव में, आप उसको देखिएगा तो पूरी तरह से क्लियरिटी स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि आप कहाँ हैं। जो मुसलमान आपके साथ में मजबूती के साथ थे, वह कहीं ना कहीं बिदकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बमक रहे हैं, बिदक रहे हैं। बिदक रहे हैं, हाँ, वह बिदकना जिसे घोड़ा कैसे बिदकता है उसी तरह से बिदक रहे हैं। तो यह आपके वोट में कहीं ना कहीं यह डेंट सेंधमारी दिखाई पड़ रही है, जो कि आरजेडी के लिए, जो आरजेडी के थिंक टैंक हैं लालू प्रसाद यादव के लिए, यह चिंता का विषय है। उन्होंने भी महसूस किया, बिल्कुल वही महसूस देखिए, किया। आरजेडी पर ये टैग लगता रहा है, ये कहा जाता रहा है कि आरजेडी MY की पार्टी है। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम A to Z की पार्टी हैं, दावा करते हैं, लेकिन ठीक है, MY की बात भी करें तो M तो खिसक रहा है। देखिए, वो हम और आप नहीं कह रहे हैं, या देखिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जो जन सुराज के संस्थापक हैं, उन्होंने भी पिछले दिनों कहा है, लाइफस्टाइल्स को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, उसने भी हाँ, कहा है। वो कहा है कि देखिए लालटेन में तेल खिसक रहा है, तेल खत्म हो रहा है, भकभका रहा है। तो अब तेल कौन था लालटेन में? वह था M, मुस्लिम। यादव तो हैं साथ में, लेकिन मुस्लिम जो है सो खसक रहे हैं, खिसक रहे हैं, इसलिए लालटेन में जो है सो जब तेल खिसक रहा है, मुस्लिम जब भाग रहा है तो क्या अंदाज होगा। तो ये बात जो प्रशांत किशोर भी इस बात को महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं, अगर आरजेडी के साथ में यह परेशानी है। और देखिए, एक बात तो समझने वाली है कि आप जो आरजेडी का, पहले आरजेडी में जिस मजबूती के साथ मुस्लिम समाज के लोग, कि कई बड़े कद्दावर नेता, कई बड़े चेहरा हुआ करते थे, अब कौन सा, आप देखिए महागठबंधन की सरकार बनी, आपको 17 महीने का कार्यकाल रहा, उसमें कौन कौन लोग मंत्री बने यह थोड़ा सा आप समझ लीजिए। खुद तो आप जान रहे हैं कि महागठबंधन मोहम्मद शमी को गन्ना मंत्री बनाया गया, बाद में कानून मंत्री बनाया गया, कानून मंत्री बनाया गया, जब कार्तिक, मास्टर कार्तिक का जब इस्तीफा हुआ तब जाकर उनको जोड़ा गया, मोहम्मद शाहनवाज, जो तस्लीमुद्दीन साहब जो सीमांचल के कद्दावर नेता होते थे, उनके उनके पुत्र को आपदा प्रबंधन ऐसा विभाग दिया गया। सिर्फ दो मंत्री बने, दो मंत्री बने, कांग्रेस से भी एक बने थे लेकिन आरजेडी से तो सिर्फ दो ही बने नहीं थे। हम आरजेडी की बात कर रहे हैं, आरजेडी का MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण की बात होती है, तो उसमें जो मुस्लिम की बात हो रही है उस पर हम कह रहे हैं कि दो ही महागठबंधन की सरकार में मंत्री बने आरजेडी में, तो ये हम कह रहे हैं। तो और यादव से 8-8 9-9 मंत्री थे, हाँ, 8-8 9-9 मंत्री थे, सुरेंद्र यादव थे, रामानंद यादव थे, खुद तेजस्वी यादव थे, तेज प्रताप यादव थे, ललित यादव थे, बिल्कुल सुरेंद्र यादव थे, बड़े बड़े चेहरे थे उसमें। वो अब वो वही हम कह रहे हैं कि ये जो जिसके बलबूते आपकी सरकार रह बनती है, जिसके बलबूते आप चुनावी गणित में आप अपर हैंड में रहते हैं, उसी को आप जैसे दरकिनार। और ये थोड़ा सा हम पीछे ले चलेंगे आपको कि जब आप लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय का क्या गणित, 90 दशक में, हाँ, वो देखिए क्या है। अब उस समय का एक छोटा सा देखिए, गुलाम सरकवर विधानसभा अध्यक्ष, गुलाम सरकवर विधानसभा अध्यक्ष थे, जाबिर हुसैन, प्रोफेसर जाबिर हुसैन बिहार विधान परिषद के सभापति, दोनों तरफ मुसलमानों को दिया गया था, दोनों तरफ वो। अब चले आइए, अब सरकार में देखिए मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग होते थे उस समय। इलियास हुसैन पथ निर्माण मंत्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट महकमा होता है पथ निर्माण जैसा विभाग, वो इधर उधर झोलझाल में नहीं होता, बड़ा विभाग होता है। तो इलियास हुसैन को उस समय मंत्री बनाया गया था। शकील अहमद खान, अभी नहीं रहे, मरहूम शकील अहमद खान, वो जो सो आरजेडी के कद्दावर नेता, गया से जीत करके आते थे वो। अब देखिए उनके पास कौन कौन विभाग था, हमको याद है अल्पसंख्यक विभाग था,
ऊर्जा विभाग के कैबिनेट मंत्री हुआ इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट विभाग माना जाता है जो आज बिजेंद्र यादव के पास में है। लंबे समय से वह विभाग के मंत्री बिजेंद्र यादव होते चले आ रहे हैं, तो वह ऊर्जा विभाग उनके पास था, विधि विभाग था क्योंकि वह वकील भी थे, कानून विभाग, हाँ, तो इसलिए विधि लॉ डिपार्टमेंट भी उनके पास। तो आप समझ लीजिए अल्पसंख्यक, ऊर्जा और लॉ, यह तीन तीन चार चार विभाग के मालिक हुआ करते थे शकील अहमद खान। और उसके बाद चले आइए तस्लीमुद्दीन, जो सीमांचल के गांधी कहे जाते हैं, एमपी बने बाद में। तो तस्लीमुद्दीन को भवन निर्माण विभाग की जिम्मेवारी जैसी दी गई, वह भवन निर्माण विभाग के मंत्री बने। उसके बाद चले आइए मुनाजिर हसन, वह भी जो है सो खेल मंत्री संभवता बने थे, तो कैबिनेट मंत्री, हाँ, कैबिनेट मंत्री थे। मुनाजिर नीतीश कुमार की सरकार में भी मुनाजिर हसन मंत्री बने, उसमें भी भवन निर्माण मंत्री थे, तो वो मुनाजिर हसन। एजाजुल हक वो संभवतः समाज कल्याण मंत्री, राज्य मंत्री या समाज कल्याण मंत्री थे वो, जहां तक हमको याद पड़ता है, हाँ मंत्री थे एजाजुल हक। वो सीवान से, वहां से उधर जीरा देई की तरफ, उधर से जीत करके आते थे, जीरा देई से तो एक बार मोहम्मद शाहबुद्दीन जीते थे, हाँ, निर्दलीय जीत कर, उसके बाद उन्होंने लालू यादव की पार्टी को समर्थन दिया था, बिल्कुल, तो वो एजाजुल हक को ही माने उनके रिश्तेदार भी लगते थे, तो इस लिहाज से एजाजुल हक को उन्होंने अपनी सीट पर उन्हीं से जितवाया था और अपने खुद एमपी बने थे। तो ये देखिए एजाजुल हक, तो वो देख लीजिए कई सारे नाम हो गए, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद, लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे उस समय पांच जो है सो मंत्री हुआ करते, बड़े विभाग के जिस पर की सरकार की एक तरह से समझ लीजिए तो नींव होती है वो। और उसके बाद से जाबिर हुसैन विधान परिषद सभापति, गुलाम सरवर विधान परिषद के अध्यक्ष। तो यह जो है सो उस, आप उस एरा को याद करिए, उस कालखंड को याद करिए और आज देखिए आप, तो यह आवश्यक हम क्यों कह रहे हैं, जरूरी और मजबूरी, तो मुसलमान को, मुस्लिम समाज को साथ में रखना आपके लिए जरूरी भी है, मजबूरी भी है। हाँ। अभी जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, उनको एमएलसी बनाया गया, बिल्कुल, मोहम्मद कारी शोहेब, ठीक है, वो भी युवा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी खूब लाठियां खाई हैं, संघर्ष किया है, मोर्चा निकाला है आरजेडी के लिए, उन्हें भी एमएलसी बनाया गया, ठीक है, लेकिन संख्या तो बड़ी कम हो गई ना, बिल्कुल निश्चित, दो सिर्फ, दो मंत्री भी दो, हाँ। और इस बार के जब लोकसभा चुनाव हुआ उसमें टिकट भी दो, अली अशरफ फातमी मधुबनी से और मोहम्मद शाहनवाज अररिया से, क्योंकि अररिया में कोई चुनाव था नहीं, वही देना था, अली अशरफ फातमी को आप लेकर आए थे तो आपको देना था, नहीं नहीं आप सनफ मल्लाह को तीन, बिल्कुल 23 सीट पर लड़े, 23 सीट में से 2 सीट दिया मुसलमानों को, सनफ मल्लाह को 3 सीट और अल्लाह के मानने वालों को 2 सीट, बिल्कुल, ये निश्चित रूप से इस पर सोचना पड़ेगा, अगर नहीं सोचेंगे और इसी लिहाज को सोचते, इसी को देखते हुए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी ने जो पिछले दिनों मुलाकात की है, बात हुई है, बंद एक तरह से कहा जाए, वो मजबूरी थे, वो हिना साहब के साथ मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी, तो वह कहीं ना कहीं वो जरूरी और मजबूरी दोनों ही है, उसी लिहाज से उन्होंने देखिए ना, पटना में भी मेयर रहे अफजल इमाम, बिल्कुल लंबे समय तक रहे, वो आरजेडी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, समर्पित भाव से हैं पूरी तरह से। जब हाल ही उनकी पत्नी डॉक्टर महजबी चुनाव लड़ रही थी, मेयर का चुनाव था, क्योंकि सीधा लड़ाई अफजल इमाम और सीता साहू में हुआ था, बिल्कुल पार्टी वाइज चुनाव हुई था, ऑफ द रिकॉर्ड था, बीजेपी के नेताओं ने खूब जमकर मदद किया सीता साहू को, चुनाव वो जीत भी गई। सेकंड नंबर पर रहे अफजल इमाम की पत्नी डॉक्टर महजबी, अफजल इमाम को मदद नहीं किया इन लोगों ने, बिल्कुल उनकी नाराजगी है जो दिखता है, निश्चित नहीं है। देखिए अफजल इमाम के साथ क्या हुआ, देखिए डॉक्टर महजबी जो उनकी पत्नी है वो सेंट जोसेफ स्कूल से पास आउट है, पढ़ी लिखी है, तभी वो डॉक्टर भी है, और इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन जब उस लिहाज में आप जब मदद नहीं करिएगा तो बैकफुट पर आपको जो चाहने वाले आपके समर्थक, आपके प्रशंसक, जो आपके वोटर है, वही बैकफुट, बीजेपी के विधायक की तरफ जहाँ खुल के बैटिंग कर, बिल्कुल बिल्कुल वही हम कह रहे हैं, ठीक है, आप नहीं लगते, आप अपने विधायकों को कहते मदद करने के लिए, खुलकर सपोर्ट होता है, एक मैसेज आता कि हाँ, बिल्कुल कोई वो बीजेपी कमल छापर तो थे नहीं, ये लालटेन छापा भी नहीं थे, आपने अपने व्यक्ति को भी मदद नहीं किया। देखिए तो यही तो न्याय है, यही सब न्याय नहीं, यही सब परेशानी का सबब है, और यही चुनाव में इसी लिहाज से आपका वोट नहीं चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। अब सीहोर में देखिए, सीहोर में ये लोग चाह रहे थे, आरजेडी चाह रहे थे कि वहां से जो एमएलसी है उनको वहां से उम्मीदवार बना, फैसल अली को नहीं, फैसले तो एमएलसी बन गए, हाँ वहाँ से एमएलसी वहाँ पर हैं, तो वो वहाँ से शिवहर में, तो उनको चाह रहे थे शिवहर से आरजेडी उम्मीदवार बनाना, तो वहाँ पर उनको नहीं, जबकि आरजेडी के वो समर्पित कार्यकर्ता हैं एमएलसी वहाँ। नहीं देखिए पहले भी बात होती है, जब लालू यादव सीएम थे, आपने तो इन मुसलमान नेताओं का नाम बताया, कई से बड़े बड़े नेता थे, बिल्कुल मोहम्मद शहाबुद्दीन एमपी रहे, बिल्कुल एक मजबूत स्तंभ थे, बिल्कुल वो मरते मर गए, उन्होंने आरजेडी का दामन नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, और देखिए आज क्या सिला है, बिल्कुल। लेकिन ठीक है, अब जब संबंध जुड़ रहा है, देखते हैं, बातचीत हुई है, दो बार बातचीत हुई है, एक बार 4 अगस्त को ही मुलाकात हुई है पटना में, और फिर कल देर शाम को दिलीप जायसवाल, जो कि माफ कीजिएगा विनोद जायसवाल तो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, विनोद जायसवाल जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं, उनके घर पर मुलाकात हुई। विनोद जायसवाल की यह पहल थी, उन्होंने पता नहीं कैसे ये
उनकी कोशिशें सफल हुई, कितना उन्होंने प्रयास किया था, उनकी कोशिशें सफल तो हुई, खूब प्रयास किया उन्होंने, और विनोद जायसवाल के घर पर मुलाकात हुई है, घंटों तक मुलाकात हुई है। अब देखना यह है, अभी कई राउंड की मुलाकात और होनी है, कई शर्तें भी हैं जो सुनने में आई हैं, शर्त तो कुछ माननी होगी। देखिए शर्त निश्चित रूप से वह आपस में, देखिए जब लालू प्रसाद यादव अभिभावक की भूमिका में है तो वहां पर सब कुछ कोई शर्त वर्त नहीं काम करेगा, एक बात समझ लीजिए, वह सब लालू प्रसाद यादव के सामने हीना साहब में क्या शर्त रखेंगे, वो तो अभिभावक पिता तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं, अभिभावक मानते हैं, हाँ निश्चित रूप से अभिभावक हैं भी वो, वह दर्जा भी उनको मेहना साहब की ओर से, उनके परिवार की ओर से मिलता रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो वो लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि लालू प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री थे वह कालखंड और आज का जो है सो कालखंड, तो उस दोनों में आपको कंपेयर करना पड़ेगा क्यों मुसलमान ऐसा हो रहा है। नहीं ठीक है, वो बीजेपी के साथ नहीं जाता है, अब बीजेपी में देखिए शाहनवाज हुसैन के साथ क्या हुआ, बिल्कुल शाहनवाज हुसैन को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, कुछ नहीं हुआ, तो बीजेपी तो मुसलमान को तरजीह नहीं दे रही है, लेकिन जो आपको वोट दे रहे हैं, आपके प्रति जो समर्पित हैं, जिनके वोट से आप बली हो रहे हैं, उनको भी उतनी आबादी के हिसाब से उनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। बिल्कुल, अब ये तो बात कही जा रही है, जिसकी जितनी भाग्यदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, हाँ प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, तो यह तो यह आपका भी नारा है, आरजेडी ने भी नारा पहले दिया था, तो वह निश्चित रूप से तो अब मिलना चाहिए, ए टू जेड में तो एम आता है, एम फॉर माई, एम फॉर मुसलमान, तो मुसलमानों को तरजीह नहीं दे रही है, तो इसलिए डेंट तो हो रहा है, बिल्कुल ये उन्होंने एहसास किया है, राजनीति से भाग रहे हैं, जो कुछ संगठन के लोग थे उनका भी मिजाज ऐसे ही थोड़ी, अवध बिहारी चौधरी थर्ड पोजीशन पर आ गए, निश्चित मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, ऐसे ही थोड़ी पप्पू यादव चुनाव जीत गया, यानी कि मुसलमानों ने आपका साथ छोड़ दिया। शाहनवाज, मोहम्मद शाहनवाज कैसे हार गए, बिल्कुल अली असर फातमी कैसे हार गए, अररिया और मधुबनी से क्या परिणाम हुआ, क्या परिणाम हुआ, दरभंगा में मुसलमानों ने आपका साथ क्यों नहीं दिया, बिल्कुल ललित यादव कैसे हार गए बड़ी मार्जिन से, तो एक सवाल खड़े होते हैं, आरजेडी से क्यों भाग रहे हैं मुसलमान, ये तो खैर बात सामने खुल कर आ ही गई है, क्या इसकी वजह है, इसके बाद भी और भी बहुत वजह है, लेकिन हाँ डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, देखना यह है हिना साहब क्या आरजेडी में शामिल होती हैं, उसामा साहब क्या आरजेडी में शामिल होते हैं, अथक प्रयास किए जा रहे हैं, विनोद जायसवाल खूब लगे हुए हैं, देखना होगा क्या मेहनत जो है वो रंग लाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें, धन्यवाद।